नमस्ते। लगातार 3 दिन से नेशनल चैनल रिपब्लिक अर्णब गोस्वामी जी और अन्य एंकर लोगों ने एक ही बात पर चर्चा हुई, वो है कि कांग्रेस एमएलए ने, कर्नाटका कांग्रेस एमएलए, उन्होंने बोला कि हिंदू मीन्स एक पर्शियन लैंग्वेज में डेरोगेटरी मीनिंग आती है, क्यों हम लोगों को जबरदस्ती जो हिंदू बोल के बुला रहे हैं। इस बात पर उन पर सारे लोग गुस्सा कर रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हिंदू को हेट्रेड क्यों दिखा रहे हैं। और बीजेपी में भी इसमें खूब सारी साइलेंस दिखाई, इतना जोरदार धमाकेदार वो लोग जो अटैक करते हैं, वो अटैक इस बार कहीं पे भी इवन मोहन भागवत जी या वीएचपी से भी नहीं मिला, क्यों? और क्या आप लोग जानना चाहते हैं, क्या हिंदू वर्ड सच में पर्शियन लैंग्वेज में डेरोगेटरी है? और जानना चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, ताकि आपको एक नॉलेज मिले और आप खुद डिसाइड करेंगे, खुद आपको एक सनातनी धर्मी अपने धर्म को किस नाम से, किस रिलीजन नाम से पुकारना चाहिए। एक्चुअली हिंदू जो बोले जा रहे हैं, क्या सनातनी धर्म का कोई रिलीजन है तो उसको कि आगे से क्या बुलाना चाहिए। तो देर नहीं करेंगे, मगर मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको एक एनर्जी मिल सके, आप लोगों के बाद सच के सच फैक्ट्स आपके पास रख सकूं। मैं वो पंचर टायर पंचर वाला जुबेर नहीं हूं, मगर फिर भी अपना राय आपके सामने रख रही हूं, आप ही डिसाइड कीजिए। मैं आपसे और अर्णब गोस्वामी जी से विनम्रता से निवेदन करती हूं, यस हिंदू मीन्स पर्शियन लैंग्वेज में एक आपत्तिजनक नाम है, ये डेरोगेटरी वर्ड है, क्यों? पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको कहना चाहती हूँ। इससे पहले आपको जो ब्रिटिशर ने जाते जाते देश को बांटते हुए जिन्ना को एक मुस्लिम नेशन दिया, और नेहरू आलिया मुस्लिम, ये इनको इंडिया सौंप के चले गए, तो नेहरू भी कई कॉक एंड बुल स्टोरीज हमको बताए और अपने पुस्तक में ये पुस्तकों उन्होंने जो सारे लोग जब स्वतंत्र संग्राम में बिजी थे तो गांधी और नेहरू को ही पेपर और पेन दिए, ताकि इंडिया का हिस्ट्री वो लोग से लिख सके, इंडिया का किस्मत लिख सके। एक तरफ सरवारकर जी को कोले तक नहीं मिल रहा था, वो अपने जेल की दीवारों पे लिख रहे थे, मगर इन लोगों को पेपर और पेन लिख दिए गए, ताकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोल के एक पुस्तक लिख गए और अपना किस्मत सनातन धर्मियों को चुनने के मौका भी ना दे सके। तो इतना पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में मैं ये कहना चाहती हूँ, पर्शियन लैंग्वेज में मुझे भी नहीं आती, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को नहीं आती, मगर अब शायद पर्शियन डिक्शनरी में भी चेंज हुए, और पर्शियन में हिंद और हिदायत बोल के नाम भी है, वो अच्छे मीनिंग आती है। मगर जहाँ तक 1964 इलेक्शंस टाइम में नेहरू की फेवरेट प्लेस उत्तर प्रदेश लखनऊ के ज़िले में एक पर्शियन डिक्शनरी, उसका नाम है लुगेट ये किश्वारी, ये प्रचलित हुआ, जिसमें हिंदू का शब्द में मीनिंग ये आते हैं, एक थीफ, डकैत, ब्लैक कलर्ड पीपल, और इसका और एक नाम है गुलाम, स्लेव बोल के इसका मीनिंग आ रही है। तब खूब सारे चर्चे हुए, मगर ये तब भी ऐसे ही हम सनातनी लोग खामोश रहे और ये आगे चलती रही हिंदू हिंदू हिंदू। मगर जहाँ तक मेरा पर्सनल ये कहती है कि 1964 में वोट बैंकिंग की टेक्निक ये समझो या कुछ भी समझो, यहाँ के को मुस्लिम्स को ऑफिस समझो कि असली वर्ड पर्शियन मीनिंग का हिंदू का नाम निकल के आया इस डिक्शनरी में। अगर हम इस डिक्शनरी को या इस डिक्शनरी का मीनिंग को ही हम गलत माने तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट नेहरू और यहाँ पे रहने वाले मुस्लिम्स को ही दे देते और ये पर्शियन लोगों को ही दे देते भी।
अब तक ये डिक्शनरीज उन कंट्रीज में भी चेंज हुए होंगे। इसका नाम, क्योंकि हम एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, इसीलिए इनका नाम को अच्छे करके दिखा रहे हैं। मगर सरकैज़मली अगर ये पर्शियन लैंग्वेज में हिंदू वर्ड शब्द निकाला तो इसका मीनिंग आपत्तिजनक है। इनको ये मानने पर वो लोग जो गजनवी है, वादियों से लेकर मुगलों तक, आपके जा और शायद को हिस्टोरियंस तक, ये लोग दिल ही दिल अंतर ही जानते हैं कि हिंदू का शब्द डेरोगेटरी है। मगर ये लोग ऊपर से ये ऐसा मीनिंग नहीं है बोल के बुरकारते हैं। क्योंकि इसका मैं आपको ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलना चाहती हूँ। खेलने वाले बच्ची है, उन्होंने वो सीनियर है, मगर वो बोल रही थी आप लोग फॉरवर्ड कास्ट हैं, आप लोग अच्छे हैं, तो आप लोग क्यों खुद को हिंदू बुलाते हैं? तो क्या हुआ? हाँ, हम हिंदू है, हम हिंदू है बोल के मैं हम लोग बोल रहे थे, हम मेरे दीदी और वो लोग। तो उन्होंने 3 दिन के बाद हम पकड़ के पूछे क्यों हिंदू बोले, तो क्या हुआ, हिंदू क्यों नहीं पुकारना चाहिए खुद को बोले, तो ये है, हम आप हमारे दोस्त है इसीलिए बता रही हूँ, हिंदू बोले तो स्लेव है, हिंदू बोले तो गलीज वर्ड है, आपको बता नहीं सकते, ये हमारे अरब वो अरबिक समझी, मगर ये पर्शियन वर्ड है। कुछ भी हो, उनके घर में जो आंध्र प्रदेश के कई गांव से, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से आने वाले, हैदराबाद में सेटल होने वाले गेजेटेड ऑफिसर है, उनके फैमिली में ही इनको पता है, और वो तब के काल में ही पता है कि हिंदू बोले तो एक डेरोगेटरी वर्ड है। तो आप, मेरा सेकंड पॉइंट है, अगर इस देश में 80% पीपल सनातनी धर्मियों को हिंदू के नाम से जाना जाता है, और जो जो 10% 20% मुस्लिम्स और 10% क्रिश्चियंस, इन लोग इस बात को एक नेगेटिव थॉट की तरह, एक डेरोगेटरी वर्ड की तरह अंतर ही अंतर कुछ हो रहे हैं, तो क्या हम सनातनी को इस नाम से हम खुद को आइडेंटिफाई करना है कि नहीं, ये आप डिसाइड करिए। कोई मुस्लिम उस खुद को, ये नेहरू को या राजीव गांधी के, इंदिरा गांधी को, ये लोग हिंदू समझते ही नहीं है, ये कश्मीरी पंडित ही समझते नहीं है, ये सब मुस्लिम्स को पता है कि वो मुस्लिम है, नेहरू बोले तो मुस्लिम है। इसीलिए जब पार्टीशन हुआ तो भी लोगों को अपीस करने के लिए, और वो लोग मन बना के रखे हैं कि हम वोट बैंक रहेंगे इंडिया में, हमको अपीस करते रहेंगे, हमारे वोट्स इनको ज़रूरत पड़ेंगी, इसलिए इंडिया नहीं छोड़ना है और हमारा शासन भी मुस्लिम होगा तो हम खुश रहेंगे बोल के वोट बैंक में सारा फायदा हमको मिलेंगे, और हमको इन लोगों को हिंदू बोल के पुकारने से सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो वो लोग अच्छे हैं इसीलिए बताया, और मगर इसका वर्ड तो डेरोगेटरी है। वो बाकायदे भी चैनल्स में आकर इसको नकारे, मगर ये अंदर ही अंदर हर एक कुर्ता पायजामा बुरके वाली हिजाब वाली कोई भी हो, टायर पंचर करने वाला हो, वो हिंदुओं के बारे में जानते हैं, अपने मस्जिदों में सिखाया जाता है, वो हिंदू के क्या मीनिंग आती है उसको मारने, मगर जिसको नहीं पता है कि 80% हम लोग हैं इंडिया में, उससे वो सेटिस्फेक्शन हो रहे, अपने बच्चों को स्कूल में डाकर सारी नॉलेज जो स्कूल्स ही देंगे, हमको कुछ पढ़ाए सिखाने की ज़रूरत नहीं, समझने वाले ये सनातनी धर्मी लोग अलियास हिंदूज को अब जागृत होना चाहिए कि अपना भी कोई कम्युनिटी हो, अपना भी कोई कॉन्क्वेस्ट हो, हम भी कहीं पे मिले, कुछ बातचीत करें, ताकि हम पर क्या हो रहा है खुद हमको समझ में आए। तो ये इस बात से मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग स्कूल्स तो ज़रूर भेज दिए, मगर आपको आपके चिल्ड्रन को कोई अपने रिलीजन के बारे में नॉलेज नहीं है, कोई क्या आपको बुला रहे हैं नॉलेज नहीं। कल आप इस चैनल में, रिपब्लिक चैनल में एक पैनलिस्ट ने कहा हम अगर दुबई गए जाए तो हमको बोलते कि आप हिंदू हो, ये काम काम है, ये ऐसा जो कि ताकि उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले कि हम एक स्लेव कंट्री से, वो लोग वहाँ पे दुबई गए,
वर्क करने या कुछ करने। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर 80% हम लोग सनातनी हैं, हमारा कोई रिलीजन ऐसा कुछ नाम नहीं था, तो कौन है ये गजनवीवादी हमको हिंद या सरकास्टिक नाम से पुकारना है। मैं थर्ड आपको पॉइंट बोलना चाहती हूँ, अल बेरूनी जो गजनवी ये आक्रांतकार, ये लुटेरे, ये रेपिस्ट लोग इस्लामिक लेकर ये इंडिया में जब बसे, तो गजनवी के टाइम पे 11th सेंचुरी में उनका कोर्ट पोएट था अल बेरूनी। इन इस अल बेरूनी को अब अगर आप विकिपीडिया में टाइप करें तो उसको क्या क्या के नाम, थियोलॉजिस्ट, फिर जोग्राफोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, ये वो बेवकूफ को इंडियंस ने संस्कृत सिखाया, जोग्राफी सिखाया, एस्ट्रोनॉमी सिखाया, क्योंकि जब तक इंडियंस के कंका कवि वहाँ पे अरब वर्ल्ड में जा गए नहीं, तो तब तक इन लोगों को नंबर्स भी नहीं आता, इनको ज़ीरो भी नहीं मालूम था। अगर ये लोगों का अरबिक मैथ वैल्यू को देखे तो इन लोगों को 4 नंबर 1000 तक ही इनको काउंटिंग आती थी, जब तक वही टाइम पे इंडिया में इन्फिनिटी को काउंट करते थे। ये इतना मैथ्स वेरिएशंस है, ये अरब से ये अरबिक नंबर बोल के यूरोप में गया। ये कंका कवि आप एक बार चेक भी कीजिए, जब कंका कवि अरबिक वर्ल्ड विजिट किए तो उनके साथ इन लोगों ने मैथ्स साइंस जियोलॉजी, तो अल बेरूनी तो 11th सेंचुरी में आया। तो आपको तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, कभी 270 BC में आने वाले मेगास्थनीस को भी इंडिया को इंडिक नाम से जानता था, और चाइनीस भी इंडियंस को इंडिक नाम से ही जानते थे। तो ये कौन गजनवी लोग हैं, क्यों उन लोगों को एक सरकास्टिक ट्रिकी वर्ड सनातनी धर्मियों को पुकारने के लिए यूज़ किया, क्योंकि उन लोगों को स्लेव मेंटालिटी, खुद ही स्लेव डायनास से रिलेटेड ये अल बेरूनी, ये गजनी, ये लोग तभी सेटिस्फैक्शन होता है तब जब दूसरे को नीचा दिखाता है। ये नीचा दिखाने के ये ट्रिकी वर्ड है हिंद, इस हिंद को उन्होंने अपने पोएम्स में सरकास्टिकली गजनी को कुछ करने के लिए भी जाते जाते किताबुल हिंद बुक के नाम में वो ने सरकास्टिकली यूज़ भी किया, आप जान सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट में आपको ये कहना चाहती हूँ, जो लोग ऋग्वेदा ये आगमन शास्त्र से जो हिंद वर्ड का यूज़ आपको कोटेशंस दे रहे हैं, शायद मेरे नॉलेज के तहत वो गलत है, क्योंकि जैसे मनुस्मृति एमेंड हुई कई इन्हीं कालों में, ये मुस्लिम्स इन्वेडर आने के बाद और ये बौद्ध लोग जब हिंदुओं पर राज कर रहे थे, तब से ये मनुस्मृति का अमेंडमेंट बहुत सारे बार हुआ, और इसको पूरी तरह क्लियर कट कैस्टिज्म में बदल दिया ब्रिटिशर्स ने। तो जैसे मनुस्मृति का अमेंडमेंट हुआ, ऐसे ही ये लोग कहीं पे ये श्लोक रखकर इसमें डाल दिए। वेदों में इंद्र का पूजन करना, इंद्र का प्रस्ताव था, सिंधु रिवर का प्रस्ताव थे, सरस्वती रिवर का प्रस्ताव थी, मगर गंगा का प्रस्ताव से कम था, मगर ये लोग कभी इसको ये नकार नहीं सकते कि हिंदू का ऐसा वर्ड वेद में नहीं था, शायद इसको अमेंड करे किसी ने, हमको इस पर भी चर्चा है। जैसे उत्तर रामायण का एक जो वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा, जैसे उत्तर रामायण आ गया, ऐसा ही आ गया होगा, ये मुझे कुछ मालूम नहीं है, इस पर भी रिसर्च होना चाहिए। ऐसा ये हिस्ट्री बुक्स ही नहीं, खुद सनातन धर्मियों को अब डिसाइड करना है खुद को क्या नाम से पुकारना है, क्योंकि हिंदू वर्ड पर्शिया लैंग्वेज तो अन्य कंट्री में बात करते हैं ना, उन लोगों को तो मालूम है ना ये डेरोगेटरी वर्ड है बोले तो खुद को दूसरे के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये अब सनातनी धर्मियों को डिसाइड करना है। अगर इस इंडिया में मैं यूनियन कल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मोदी जी से कामो काम आपको ये लिबरल लोग हिंदूवादी हिंदुत्व ये सब बोलते हैं कहीं पे भी। कल एक आदमी ने रिपब्लिक चैनल में पूछा, हिंदू
रिलीजन ही नहीं है। हाँ, अर्णब बाबू ने कहा क्या हमारा कोई रिलीजन नहीं है, सनातनी धर्मियों का ऐसा कोई रिलीजन का किसी फॉलोअर से हम फॉलो नहीं करते हैं, खुद का आइडेंटिटी बनाते हैं, ऐसी होती है सनातनी धर्म। हमको ड्यूटी माइंडेड हो, धर्म बोले तो ड्यूटी, ड्यूटी कैसे करना है वेदों में सिखाया गया है। अगर हमको कुछ रिलीजन के नाम से जाना जाने है तो धार्मिक रिलीजन से बोलिए, नहीं तो हिंदू, हिंदू INDU हिंदू रिलीजन पुकारा जाए आपसे। मैं यही बात नरेंद्र मोदी जी से और यूनियन कल्चरल मिनिस्टर ऑफ इंडिया किशन रेड्डी जी से भी बोलती हूँ, ये हिंदू वर्ड को अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बगल के रहने वाले अन्य रिलीजन वाले मुझे एक स्लेव की रिलीजन की तरह मुझे देखे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में मेरा नाम गलत आती तो मैं उस नाम को निकालने चाहती हूँ। जैसे मैं, और अगर हम इसको इजीली ले लेंगे तो जैसे पंजाब में मुंडा बोले तो बॉय का नाम होते है, वही बात तेलुगु में एक डेरोगेटरी वर्ड होती है। ईस्टर्न इंडिया में रंडी बोले तो एक गलत नाम आती है, वही रंडी यूरोपियन कंट्रीज में नाम से पुकारा जाता है, किसी का बच्चे का नाम या बच्चे का नाम रखा जाता है। ऐसा डिफरेंसेस देखे तो भी जब 80% ऑफ द वर्ल्ड इसको नेगेटिवली रह रहे हैं तो हम क्यों इसको, जो एक्चुअली हमारा रिलीजन का सनातन धर्म है, हम सनातनी है, इस नाम से खुद को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो कोई कौन होते हैं ये गजनवी वादी, कौन होते आक्रांतकार, हमको नाम देने। मैगस्तनिस तो इंडिका से नाम, और ब्रिटिशर ने भी इंडियंस बोल के पुकारे, और चाइनीज भी इंडियंस बोल रहे हैं, जापान जाइवान ताइवान भी इंडिया बोले तो हम क्यों हिंदुस्तान हिंदू बोल के पुकारना चाहिए। इधर हमको भारतवासी बोल के पुकारना चाहिए, या हमको इंडिक रिलीजन वाले बोलना चाहिए, या धार्मिक रिलीजन पीपल बोल के पुकारना चाहिए। मैं एक आपको एक सरकाजियम आपको पता चलना है तो अभी अभी रिसेंटली आमिर खान का मूवी आया थग्स ऑफ हिंदुस्तान, हिंदो दोस्तान बोल के उसने फिल्म निकाला, उसमें थग्स बोले तो क्या है, इसी हिंद का नाम ही थग्स में, डेकॉयट थीफ ब्लैक पीपल स्लेव का जो अर्थ आती है वो सब इस एक वर्ड हिंदू का नाम से आती है। तो इसने थग्स ऑफ हिंदुस्तान कैसे सरकास्टिकली इसको ना, ऑफकोर्स हाँ लोगों तो ब्रिलियंट होते हैं ना, उसने ये फिल्म को फेल किया, मगर अब इस बात को भी फेल करना चाहिए। अगली बार से खुद को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए और बताइए, ताकि हमको पता चले। होप आप सबको रियल फैक्ट्स मैं आपके सामने रखी हूँ, आप डिसाइड करिए आप खुद को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहते। फिर एक वीडियो में मिलने तक मैं लेती हूँ अलविदा। जय जय भारत।